आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है अमरावती वाला आमिर, और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आमिर। तो दोस्तों, अभी हैं हम ऑन द रोड और अभी हमारी बाइक थोड़ी कम स्पीड में है, 30 या 40 स्पीड में। तो हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम पल्सर बाइक को विदाउट क्लच, मतलब बगैर क्लच के गियर यूज़ कर सकते हैं क्या, या गियर में डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे, मैं आपको लाइव डेमो बताऊंगा कि आप अपनी बाइक का विदाउट क्लच में ही गियर यूज़ कर सकते हैं, मगर कुछ ही समय के लिए, मतलब यानी एक दो बार कंडीशन में। अगर आप हमेशा यूज़ करते हैं तो आपका गियर ख़राब हो सकता है, मगर यूज़ कर लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हैंडल बार बाइक ऑन द रोड है और हैंडल बार हमने एक लेफ्ट साइड का जो क्लच वाला है वो छोड़ रखा है। तो आप बड़ी आसानी से उसको छोड़ या गियर में डाल या निकाल सकते हैं। तो अभी वैसे हमारी बाइक चल रही है, तो उसमें आपको गियर से निकालने या फिर गियर में डालने के लिए आपको सबसे पहले तो एक्सीलेटर आपको कम करनी होगी। और ये क्यों करना है, किस पोजीशन में करना है और किस लिए करना है, आप गियर में डाल सकते हैं, मतलब ये आपका एक यूज़ हो सकता है विदाउट यूजिंग क्लच। आपको जब बगैर क्लच के गियर में डालना है तो आपको एक्सीलेटर आपका पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, आप एक्सीलेटर के साथ में गियर में नहीं डाल सकते। तो आप देखेंगे मैं भाई कौन है, बड़े आसानी से हम बाइक को 30 से 40 की स्पीड में आसानी से चला रहे हैं। तो हमारी बाइक फिफ्थ गियर में है, पांचवे गियर में, बड़ी आसानी से चल रही है। और अभी हम पूरे गियर वापस से इसके निकाल के दिखाएंगे आपको। आपको जब भी गियर में डालना या निकालना हो तो आप एक्सीलेटर को डाउन करके गियर से निकाल सकते हैं। तो हम अभी बाइक को स्लो कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, और विदाउट क्लचिंग है, आपने देखा होगा। तो आप इसी तरीके से गियर में डालिए निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड, आप ऐसा गियर से विदाउट गियरिंग में, विदाउट क्लचिंग में गियर अप या डाउन डालिए निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।